सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ हो गए। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो गाइज, एटम्स एंड मॉलिक्यूल हम चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, डेट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे इस चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से आने वाले कुछ दिनों में जो इस चैप्टर के टॉपिक्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होंगे। अभी तक जो आपने मैंने पढ़ाया वो जस्ट बेसिक चीज़ें था, आप थोड़ा बहुत वो सब जानते ही थे, बट आज से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें चालू होने वाली हैं। सो एकदम सतर्क हो जाना, क्योंकि अब हर एक वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है इस चैप्टर का। ठीक है, तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो यार, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वैलेंसी कैलकुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का, किस तरीके से वैलेंसी कैलकुलेट करें। बट यार, वैलेंसी कैलकुलेटिंग करना सिखाने से पहले मैं आपको जरा सा नाम याद करा दूं। जैसे कि मैंने बोला, अभी आप क्लास नाइन्थ में हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सिर्फ 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट के, एक तो उनके पीरियोडिक टेबल में उनका प्लेस कहाँ है, मतलब नंबर 1 पे हैं, नंबर 2 पे हैं, यानी मैं कहना चाहता हूँ 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के नंबर और उसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, बस ये दो चीज़ आप याद कर लो 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यार आज मैं कुछ ट्रिक्स आपको सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से अगर आपको बस एटॉमिक नंबर याद हैं तो आप बड़ी आसानी से एक ट्रिक, एक फॉर्मूला की हेल्प से आप मास नंबर भी सबका निकाल सकते हो चुटकी बजाते हुए। ठीक है, तो यार पहले तो मैं आपको याद करवाता हूँ जरा 1 से लेकर 20 तक का एटॉमिक ये एलिमेंट्स, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर याद करवा दूँ, देन आपको मास कैलकुलेशन सिखाऊंगा। आफ्टर डेट हम आएंगे हर सबका वैलेंसी कैलकुलेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है केमिकल फॉर्मूला। आप जो फॉर्मूला लिखते हो H2O को, वाटर को H2O ही क्यों लिखते हो, ठीक है, HO2 क्यों नहीं लिखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 क्यों लिखते हो, CO क्यों नहीं लिखते हो, तो ये सब फॉर्मूला बनता है, ऐसे कहीं से बना नहीं है, उसका फॉर्मूला है, कुछ टैक्टिक्स है, उसके हेल्प से ये चीज़ें रेडी होती है, जो कि मैं बताऊंगा कैसे रेडी होती है। अगर ये चीज़ बन आप समझ पाओगे तभी आगे का वीडियो अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने एक ये टेबल रेडी किया है, ध्यान से, आई होप आपको ये टेबल अच्छे से दिख रहा हो, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने एक तरफ एलिमेंट्स लिखे हैं 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स लिखे हैं, वहाँ पे यहाँ पे उनका नंबर है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे उनका मास नंबर है। ये जो मास है ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा हूँ, रियल में जैसे हाइड्रोजन का रियल में मास कितना होता है 1.004 करके, तो मैंने उसको 1.0041, नाइन्थ क्लास में आपको उतनी पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 लिख दो काम हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास मैंने सबको ओवरऑल, मतलब राउंड ऑफ करके मैंने यहाँ पे लिखा है, और नाइन्थ क्लास में आपको ऐसे ही पढ़ना रहता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पॉइंट वाइज में 11th 12th में जाओगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगा, और उतना वहाँ भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, 1 से लेकर 20 तक में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो देखो यार इसको 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने के लिए काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, वो आप भी बना सकते हो, हा ही ले बी ऐसे करके हिंदी वाले बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत लोग कोई गाने की हेल्प से इसको याद कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे स्टोरी के माध्यम से याद कर लेते हैं, बहुत सारे तरीका है। बट यार मेरा तो मेन मोटिव है कि आप तो इसको मुंहजवानी ऐसे ही याद करो, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरीडियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, इस तरीके से आप याद करो तो ज़्यादा सही रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरीडियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयरन, क्रिप्टन, इस तरीके से अगर आप याद करोगे देन सही रहेगा, है ना। तो आप 2-4 बार लिखोगे ना इसके, 2-4 से 5 बार अगर आप लिखोगे, एक बार देख के लिखो, दूसरी बार देख के लिखो, तीसरी बार थोड़ा सा उंगली पर, जैसे मैं अभी पढ़ा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरीडियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से 20 ही तो याद कर रहे हैं यार आप। अभी आप 20 गर्लफ्रेंड का नंबर बता दूंगा तो झट से याद कर लोगे, 20 बॉयफ्रेंड का नंबर याद हो जाता है, ये एलिमेंट याद नहीं होता यार। क्या दुनिया भी, क्या इंसान, क्या किस चीज़ से बने हुए समझ नहीं आता। पढ़ाई की चीज़ें नहीं याद होंगी, बाकी किसी का नंबर दे दो, ठीक है, चेहरा या दे दो, सब याद हो जाएगा, बट ये नहीं याद है। 50-20 वेबसाइट का नाम याद आ जाएगा, बट ये नहीं याद आने वाला है ना।
तो यार कहानी वानी छोड़ो, आप तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस तरीके से याद करना है, ठीक है? और ये टेंशन मत लो, थोड़ा सा टेंशन लो, 20 तक ही याद करने को बोल रहा हूँ, बाकी ये तो अपने आप रटा जाता है यार, ठीक है? तो मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर सबका याद है, उसका मास नंबर कैसे याद करें? तो देखो, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है ना, अगर आपकी इवन प्लेस पे आपका एलिमेंट है, देन उसके लिए फॉर्मूला क्या करना, 2 × एटॉमिक नंबर, ठीक है? इससे मास निकल जाएगा। और अगर ऑड है तो 2 × एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर देना। ये जो पीला पीला दिख रहा ना, इनमें कुछ एक्सेप्शन वगैरह हैं, बाकी सब में ये फॉर्मूला सूट करेगा, एक से लेके, अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना, 1 से 20 तक में ही काम आता है, इसके आगे फिर कहीं कहीं काम आएगा, कहीं कहीं काम नहीं आएगा। तो ये जस्ट क्लास 9th के लेवल पे मैं ये फॉर्मूला आपको एटॉमिक मास याद करने के लिए, मास नंबर याद करने के लिए बता रहा हूँ। फ्यूचर में इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ 1 से लेके 20 तक के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो चलिए जरा देखते हैं ये है क्या, सर ये क्या है। तो देखो यार, सबसे पहले हाइड्रोजन है नंबर 1 पे, है ना? ये भी तो एक्सेप्शन है ना यार। तो ओके, तो मैंने इसको भी पीला पीला कर दिया। अब हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1, और इसका मास भी 1 ही होगा, याद रखना, एटॉमिक नंबर जितना है मास भी उतना उसका वही रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1, यार 1 2 3 तो सबको याद होते हैं। नाउ हीलियम है 2 नंबर पे, तो 2 क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई 2 एटॉमिक नंबर को, अगर देखो इवन है तो एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो मास नंबर मिल जाएगा। तो अगर हीलियम एटॉमिक नंबर है 2, 2 इज द इवन नंबर, जस्ट मल्टीप्लाई दैट एटॉमिक नंबर विथ 2, यू गेट 4, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। नाउ लिथियम इज 3, है ना, 3 इज अ ऑड नंबर, ठीक है? तो जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2, तो 3 × 2 = 6 और प्लस 1 = 7, मास नंबर इज 7। नाउ आता है अगला बेरीरियम, बेरीरियम 4, 4 इज अ इवन नंबर, है ना? तो इसका क्या होना चाहिए, 4 × 2 = 8 आना चाहिए, बट इसका 9 है, तो एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इसको पीला, एक आध दो एक्सेप्शन आपको मिलेगा। नाउ बोरोन 5, 5 इज अ ऑड नंबर, जस्ट मल्टीप्लाई 5 विथ 2, यू गेट 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, मास नंबर इज 11, ठीक है? कार्बन 6, 6 इज अ इवन नंबर, जस्ट ट्वाइस 8, 6 × 2 = 12, एटॉमिक मास इज 12। नाइट्रोजन, इसके साथ एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन ऑड नंबर है बट फॉर्मूला इवन का लग रहा है, 7 × 2 = 14, ठीक है, लाइक दैट। तो ये एक्सेप्शन है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन इज अ इवन नंबर, है ना, तो जस्ट ट्वाइस इट, 8 × 2 = 16, दैट इज मास नंबर। फ्लोरीन 9, 9 इज अ ऑड नंबर, ट्वाइस एंड देन प्लस 1, 9 × 2 = 18 प्लस 1 = 19, मास नंबर इज 19। नियोन 10, 10 इज अ इवन नंबर, जस्ट ट्वाइस ओनली, 10 × 2 = 20, तो मास नंबर इज 20। सोडियम इज 11, 11 इज अ ऑड नंबर, जस्ट ट्वाइस इज 11 × 2 = 22 प्लस 1 = 23, ओके। मैग्नीशियम 2 का एटॉमिक नंबर होता है 12, ट्वाइस 12 × 2 = 24, मास नंबर। एल्यूमिनियम 13, 13 इज अ ऑड नंबर, ट्वाइस इट एंड देन प्लस 1, यू गेट 27। नाउ सिलिकॉन, नॉट एल्युमिनियम के बाद आता है आपका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इज 14, 14 इज अ इवन नंबर, सो जस्ट ट्वाइस इट, 14 × 2 = 28, मास नंबर मिल जाएगा। फोस्फोरस 15, 15 इज अ ऑड नंबर, ट्वाइस एंड देन प्लस 1, 15 × 2 = 30, 30 प्लस 1 = 31, यू गेट मास नंबर ऑफ फोस्फोरस। सल्फर 16, 16 इज अ इवन, जस्ट ट्वाइस इज, 16 × 32 इज मास नंबर। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इसका जो मास होता है वो होता है 35.5, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन, सो यहाँ पे मैंने पीली येलो कलर का मार्क करके रखा है। आर्गन इज 18, 18 इज अ इवन नंबर, 18 × 2 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 2 प्लस 4 40, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्शन, सो वी मार्क अ येलो कलर। नाउ आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम 19, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, 19 इज अ ऑड नंबर, ट्वाइस इट एंड देन प्लस 1, 38 प्लस 1 = 39, ठीक है? कैल्शियम इज 20, 20 इज अ इवन नंबर, जस्ट ट्वाइस इट, 22 × 40, 40, ठीक है? तो ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, अगर एटॉमिक आपका इवन है, अगर एलिमेंट अगर आपका इवन पोजिशन पे है, देन उसको ट्वाइस कर दो, वही उसका मास हो जाएगा, है ना? और वही अगर ऑड है
तो क्या करोगे, ट्वाइस करके मतलब टू से मल्टीप्लाई करके प्लस वन कर देना है ना। कुछ एक्सेप्शन है लाइक हाइड्रोजन में, बेरीवियम में, नाइट्रोजन में, और नीचे आ जाए तो क्लोरीन और आर्गन में, इसके अलावा हर जगह काम आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो डायरेक्ट मैं पूछूं कि यार मैग्नीशियम का बताना जरा मास नंबर के, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, 12 इज अ इवन नंबर, जस्ट ट्वाइस इट, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, ये एटॉमिक नंबर हुआ तो मास नंबर क्या हो जाएगा, जस्ट ट्वाइस, 12 × 2 = 24, है ना। मैंने आपसे पूछा कि सल्फर का, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो मास नंबर 16 इज अ इवन, जस्ट ट्वाइस इज 16 × 32। ऐसे ही मैं पूछ दूं आपसे कि सोडियम का बताओ भाई, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, 11 इज अ ऑड, जस्ट ट्वाइस इट एंड प्लस 1, 22 एंड प्लस 1 23, ठीक है। आई होप आप मास नंबर बड़ी आसानी से 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के आप पढ़ सकते हो और याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब अपन चलते हैं, क्योंकि अब हमें एटॉमिक नंबर याद हो गया, मास नंबर याद हो गया, अब अपन वैलेंसी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखो यार वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वैलेंसी कैलकुलेशन करने से पहले जरा तुम देखो हमारे जो एटम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। एटम्स हमारे बीच में न्यूक्लियस होता है ना, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आसपास इस तरीके के ऑर्बिट्स बने रहते हैं, ऑर्बिट बने रहते हैं इस तरह, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ, दैट इज न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, इस तरीके से ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं। अब ये किस एलिमेंट में कितने ऑर्बिट हैं वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे, किस पे डिपेंड करता है कि यार उसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्बिट डिसाइड होते हैं कि किस एलिमेंट के कितने ऑर्बिट्स बनेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इतना ही ध्यान दो। बीच में न्यूक्लियर, एटम को कैसे बनाते हैं हम लोग, बीच में न्यूक्लियस रखते हैं, न्यूक्लियस के आसपास हम ऑर्बिट्स बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बनाते हैं, और वो ऑर्बिट किस पे डिपेंड करता है, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। कैसे, अब ये देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। अब ध्यान दो, इसमें ऑर्बिट को कुछ नेमिंग किया गया है, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा ऑर्बिट्स को नाम दिया गया है। फर्स्ट ऑर्बिट को के बोला जाता है, के सेल, सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल, शेल, एस एच ई डबल एल, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट को एम, और फोर्थ ऑर्बिट को एन, के एल एम एन ओ पी, इस तरीके के सेल को नेमिंग किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट को के, सेकेंड देखो फर्स्ट ऑर्बिट को के शेल, सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल, थर्ड ऑर्बिट को एम सेल, और फोर्थ ऑर्बिट को एन सेल। आपको 9th क्लास में तो इतना ही आएगा, इससे आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। के एल एम एन ऑर्बिट के नेमिंग किया गया है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, मैथमेटिक में हम इस तरीके से बोलेंगे, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में के सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है। के सेल, के इसी तरीके से के एल एम एन, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इस तरीके से ऑर्बिट्स को नेमिंग करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब जरा ये भी देख लो कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स को रखे जाते हैं। अब ये देखो हर ऑर्बिट का एक अपना नियम है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया तो ये होगा फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। अब इस फर्स्ट ऑर्बिट का नियम ये है कि जो के सेल है, इस सेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। इस ऑर्बिट में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है, है ना। ना इसके बाद जो अगला ऑर्बिट आता है, के की बात किया, कौन सा ऑर्बिट आता है, एल सेल आता है। इस एल सेल की लिमिट है कि ये अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता ना। अगला जो ऑर्बिट आएगा, इस ऑर्बिट की लिमिटेशन है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है ये ऑर्बिट। नाउ इसके आगे वाला जो ऑर्बिट आता है वो 32 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ, ये बना लो, ठीक है, बनाते चलो, ये सब नोट करते चलना है कॉपी में, ठीक है। देखना नहीं है वीडियो, मैं यहाँ पे कोई जोक या कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको करते जाना। सबसे पहले तो वैलेंसी कैलकुलेशन आप हेडिंग डालो, वैलेंसी कैलकुलेशन हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले तो आप ये बनाओ,
ठीक है, ये फिगर बनाओ कि यार सेल्स को क्या बोलते हैं, के सेल, एल, एम, एन, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ठीक है, और बीच वाले को न्यूक्लियस। नाउ हर सेल की क्यों, हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो इसे लिखते हैं K2। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो L8। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 रहते हैं तो 18। एन सेल में 32 तो 2, 8, 18 एंड 32। इस तरीके से के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन रहने की कैपेसिटी है, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 रहने की कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे पॉल, है ना, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था 2n² वेयर n इज अ ऑर्बिट का नंबर होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें या फर्स्ट शेल की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 × 1² डेट इज 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, अगर भूल जाते हो तो 2 × 2 का n की जगह पे 2 रख दो तो 4, 4, 2 = 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। थर्ड सेल में सर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 × 3² डेट इज 3 का स्क्वायर 3, 3 = 9, 9, 2 = 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सर, तो 2 × 4² 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 = 32। इसी तरह फिफ्थ सेल में सर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 5² 5, 5 = 25 25 × 2 = 50 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस तरीके से ये पॉल ने ये फॉर्मूला दिया था, एक साइंटिस्ट है उन्होंने, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। तो अगर आपको याद है आप 9th क्लास में, तो सिर्फ 4 ही याद करना है, के में 2, एल में 8, 2, 8, 18, 32, तो 4 तो याद हो ही जाते हैं। फ्यूचर क्लास में जाओगे तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, बट चलो आप अभी सीख गए, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें क्लियर हो गया, अब अपन चलते हैं वैलेंसी कैलकुलेट करने, सबकी वैलेंसी कैलकुलेट करने। अब जरा था वैलेंस को समझो, अब जरा हम इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं कि यार सर किस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मूला यही है कि जो आपने आप जो एटॉमिक नंबर समझते हो ना, जो आपने एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर, एक्चुअली वो एटॉमिक नंबर जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ही दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जी हाँ, है ना। अगर अपन बात करें नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 10 है क्योंकि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना रखे हो, 16 होता है, 16 एटॉमिक नंबर 16 है, इट मींस इसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैल्शियम में का एटॉमिक नंबर 20 है, तो 20 मींस क्या, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चीज क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले मैंने आपको सेल्स बताया कि कितने सेल होते हैं, हर ऑर्बिट को हम सेल बोलते हैं, तो सेल डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, और जनरली डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस एलिमेंट के पास, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे, है ना। फिर मैंने बताया आपको सेकंड स्टेप में कि यार हर सेल में कुछ लिमिटेशन है, जो के सेल है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकता है, एल 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, एम 18 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, और एन जो है 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया कि हर एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे पता चलता है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर जो पोजीशन है ना वही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब है उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसका मतलब उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको देखकर ही बनाया गया था, ना कि एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ था। उसी साइंटिस्ट ने जब ये पीरियोडिक टेबल बनाने बैठे थे, तो उन्होंने आगे आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, उन्होंने देखा कि यार एटॉमिक नंबर, या पहले साइंटिस्ट क्या करते थे, मास नंबर की जिसका कम मास होता था उसको पीरियोडिक टेबल में पहले रखते थे, फिर इस तरीके से रखते थे, बट ये शुरू में तो ठीक है, फिर आगे जाके प्रॉब्लम आने लगी थी। तो फिर बाकी बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइंड उनको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला और सब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन देखा गया, तो बोला अरे यार ये सबके तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से सारों को पीरियोडिक टेबल में जगह मिली और सबको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिया गया, बिकॉज उसके अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं फोर्थ स्टेप में, फिल करना इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें ये पता चल गया कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उस इलेक्ट्रॉन को हम सेल में कैसे डालेंगे वो जरा देखो।
तो ध्यान देना, अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यार एल्यूमिनियम कहाँ है भाई? ये रहा Al, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, है ना? तो एल्यूमिनियम इसका एटॉमिक नंबर है 13, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए इसका अब मैं वैलेंसी कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ, इसका अब मैं एटम बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बीच में मैं रखूँगा न्यूक्लियस, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। अब मैं फर्स्ट ऑर्बिट बनाऊँगा, ये हमारा रहा फर्स्ट ऑर्बिट, जिसे अपन कहते हैं के सेल। के सेल, के सेल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो ये 13 में से दो इलेक्ट्रॉन में डाल देता हूँ यहाँ पे, ये और ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन बचे। अब दो से ज़्यादा तो भर नहीं सकते हैं ना, हम अगला एक सेल ले लेते हैं। अगले सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो भर दो जल्दी जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास था, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, तो भाई कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? अब हमारे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचे रह गए ना। अब इसमें तो हम भर नहीं सकते, तो फिर हमने एक एक्स्ट्रा सेल लिया, और इस सेल की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, एम सेल है ना, ये के सेल हो गया, ये एल सेल, ये एम सेल। एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें मुझे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो एक मैं यहाँ डाल देता हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया, बन गया इसका एटम्स का फिगर। एल्यूमिनियम का एटम कुछ इसी तरीके का दिखता है, क्लियर? एल्यूमिनियम का एटम कुछ इसी तरीके का दिखता है। तो सर फिर वैलेंसी क्या हुआ? वैलेंसी क्या हुआ? तो वैलेंसी क्या हुआ, इसके आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उस एलिमेंट का वैलेंसी कहलाता है ना? आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एलिमेंट का वही वैलेंस कहलाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, देयर फॉर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, अब अपन चलते हैं आगे। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इस बार मैं लेता हूँ, किसको ले लूँ मैं? फोस्फोरस को ले लेता हूँ, है ना? फोस्फोरस पी, इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई? इसका एटॉमिक नंबर है 15, यानी इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो जल्दी से इसका एटॉमिक को डायग्राम ड्रॉ करना। ये मैंने बनाया बीच में न्यूक्लियस, ये पहला सेल, मैं दो इलेक्ट्रॉन डाल दो भाई, और यहाँ से काट दो, तो कितने बच गए? 13 इलेक्ट्रॉन बच गए। नौ अगला सेल बनाओ, ठीक है, कितने डाल दूँ भाई? 8 सेल डाल दूँ, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, तो डाल दो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने डाल दिया। 13 में से 8 इलेक्ट्रॉन गया, तो 8, 2, 10, 3, 2, 5 इलेक्ट्रॉन बचा। नाउ इसकी से कैपेसिटी ख़त्म हो गई, अगला सेल लेते हैं। अगले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, अगले सेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, तो 5 ही मुझे डालना है। 1, 2 आमने सामने डाला करो, एक यहाँ तो उसके सामने 2, एक यहाँ तो उसके सामने 2, के बाद ये 4 हो गए, और फिर एक कहीं भी डाल दो, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या हो गई? फोस्फोरस की वैलेंसी क्या हो गई? आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 5 इसकी वैलेंसी हो जाएगी? नहीं, इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। वैलेंसी बच्चा लोग, वैलेंसी जो होता है ना, वो हमेशा 1 से 4 के बीच में ही होता है। ध्यान रखना, वैलेंसी हमेशा 1 से लेके 4 तक के में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है वैलेंसी। तो सर आपने तो कहा था कि आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका वैलेंसी होता है। हाँ वही होता है, यस। तो देखो, तो हमने प्रीवियस में देखा 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने आखिरी सेल में, तो मैंने बोल दिया कि इसका वैलेंसी 3 है। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो इसके आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 5 हो गई सर। लेकिन वैलेंसी तो 1 से लेके 4 तक ही होती है। तो फिर क्या करेंगे इसके लिए हम? अगर 4 से ऊपर जाता है आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, 4 से ऊपर यानी 5 या 6, 7 या 8 तक गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 से माइनस करते जाएंगे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन था आखिरी सेल में, तो 8 में से 5 गया, तो कितना आ गया? 3। तो एक्चुअल जो वैलेंसी हो जाएगी फॉस्फोरस की वो हो जाएगी 3, है ना? चलिए अब मैं आपको एक क्विक मेथड बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है? मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, के एल एम। अब आप मुझे बताओ मैं किस एलिमेंट की वैलेंसी बताऊं? तो स्टार्ट करते हैं, जरा हम थोड़ा हैवी चलते हैं।
बोरोन, बोरोन में कितने पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 5, तो पांच इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पता है के में दो सेल होते हैं, इसमें कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुझे पांच भरना है, तो दो इसमें भर दो, बचा तीन, तो तीन डाल दो इसमें। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई इसकी, बोरोन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आखिरी सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, किसका फिर पूछो, और नेक्स्ट पूछो। सर फ्लोरीन का बता दो, फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एकदम जल्दी से बताना है, इसमें ड्राइंग बना के आपको टाइम पास नहीं करना है। कितने फ्लोरीन का नंबर कितना है भाई, फ्लोरीन 9वें नंबर पे, यानी 9 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, तो दो इसमें डाल दो, दो ही है, बचा कितना 7, बचा 7 में 7 इसमें डाल दो, वैलेंसी से आखिरी सेल में 7 बचा, 7 तो हो नहीं सकता है, तो 8 में से 7 माइनस कर दो तो कितना 1, तो दैट इज़ द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। नाउ सर एक और बता दो, सर एक और सिखा दो, इतना आसानी से आप इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो एक और बता दो, है ना। चलो एक और बता देता हूँ, इस बार मैं बता दो, क्लोरीन, सर क्लोरीन का बता दो, तो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का, क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन का नंबर एटॉमिक नंबर 17, यानी इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ भर दो 2, पूरा भर दो 8, 8 दो 10, 10 हो गए, बचे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7, 17, आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 वैलेंसी होता नहीं है, तो 8 में से 7 को माइनस कर दो तो आ गया 1, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। क्लियर हो गया, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से किसी का भी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट के, बहुत आसान है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मेथड बताया मैंने वैलेंसी कैलकुलेट करने का, ये हर एलिमेंट के साथ यही अप्लाई होता है। ठीक है, अब आगे जब जाओगे 11 12th में जाओगे, तो इससे भी कुछ आसान तरीके आप सीखोगे, इससे भी आसान आसान तरीका, sp सेल, sp2 सेल, है ना, sp d, sp, इस तरीके के सेल्स को आप पढ़ोगे 11 12th में, बट फिलहाल के लिए तो 9th के लेवल पे इतना बहुत है। आई होप आपको सबका वैलेंसी कैलकुलेट करने आ गया है। जब नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे, दैट इज केमिकल फार्मूला बनाना, H2O, H2O ही क्यों होता है ना, काफ़ी सारे केमिकल फार्मूले का हम प्रैक्टिस करेंगे, इतने सारे केमिकल फार्मूले की हम प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हमें वैलेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, 1 से लेकर 20 तक के जितने एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें वैलेंसी और तेज़ी से याद हो जाएगा, आप और तेज़ी से वैलेंसी कैलकुलेट कर पाओगे। यार बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपको 1 से लेकर 20 तक के सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, है ना, सबका नंबरिंग याद होना चाहिए। मास नंबर निकालने का ट्रिक बता दिया, वैलेंसी निकालने का ट्रिक बता दिया, बस बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर भैया याद कर लो, है ना। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा आपके लिए, और ये बेसिक था। ठीक है, गुड बाय एंड टेक केयर।